सो गाइस आज हम जा रहे हैं नीलकंठ माता तीर्थ स्थल पे और सारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं। बहुत ही जल्द वहां पहुंचने वाले हैं गाइस। रास्ता भी है पहाड़ी एरिया में, पूरा पहाड़ी पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे झरना भी चलते हैं। बरसात के दिनों का भी अच्छा रहता है हरियाली वगैरह, जैसे अभी भी काफी हरियाली है। ये मैं हूँ, ये मेरे बड़े दोस्त है और ये कार के अंदर हम जा रहे हैं। फाइनली हम नीलकंठ महादेव के मंदिर में पहुंच चुके हैं। देखो वो मंदिर दिख रहा है इधर, देखो मंदिर बने हुए हैं, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो हमारे बड़े दोस्त पीछे कार में बैठे हैं, बाहर निकल नहीं रहे गाइस। एक तो आते मुझे गाना लग गया गाइस। तो गाइस देखो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। वैसे आप देख रहे हैं ये रहा नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल काफ़ी अच्छा है। शिव जी भगवान का मंदिर बना हुआ, तो अपन अंदर की तरफ चलते हैं और दर्शन करके फिर अपन पीछे की तरफ चलेंगे। आइए देख रहे हैं हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। एकदम शिव जी भगवान मंदिर बन गए, काफ़ी अच्छे तरीके से बना गया मंदिर का इधर चारों तरफ से। देखो जरा मंदिर मैदान पीटे लगेंगे, तो देखो शिव जी भगवान को वो जब लिए बना रखा गया। देखो देखो पीछे की तरफ काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से घूमने के लिए देखो बना रखे हैं, इधर झूले वगैरह लगा रखे हैं। देखो गार्डन भी है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है। देखो ऊपर की तरफ तो मंदिर बना हुआ है। देखो गाइस यहाँ पे झूले लगे हैं, सावन के झूले। जैसा कि आपने वीडियो में देखा अभी अपन झूला खा रहे थे, तो हम आगे तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ देखो काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है, जो काफ़ी मतलब दूरी में फैला हुआ है गाइस। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, काफ़ी मतलब बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह भी लगा रखे हैं। और देखो ये गाइस आगे अब देखो ये बच्चों के लिए वो चकरी आती है, चकरी आ गई है, अब इसमें बैठ गए। गाइस आप देख रहे हैं हम चकरी में बैठे घूम रहे हैं, यहाँ कोई हमें घुमाने वाला तो नहीं, खुद को घुमाना पड़ रहा है ये। देखो किसी लपट्टी भी खा ली, चक्री भी घूम लिया। तो गाइस अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर माता जी का वैष्णो देवी माता जी का मंदिर बना है। ऊपर की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं किस तरह का माता जी मंदिर बना है, वहाँ दर्शन करके तो फिर अपन पूरा मंदिर का दिखाएंगे। गाइस देखो ये नीचे की तरफ रास्ता आ रहा था, वहाँ देख के गया ये माता जी का वैष्णो देवी माता जी मंदिर बना, पूरा पहाड़ियों में चारों तरफ से पूरा पहाड़ी पहाड़ी नजर आ रही है। बड़ा मंदिर बना हुआ है देखो, देखो ये इधर ही दान पेटी लगी हुई है। बड़ा मंदिर पेड़ पेड़ लगा के, और ये जो ऊपर देखो एक रास्ता बना हुआ, इसी के नीचे की तरफ एक गुफा भी बनी हुई है पूरी। आप देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, तो पूरा मत ऊपर इसमें छाया के लिए लगा रखे हैं। मतलब ये जितना ऊपर बना हुआ ना उसी के नीचे इस देखो नीचे की तरफ भी बना हुआ, उसमें गल भी लगा रखे हैं। इतने ज़्यादा बच्चे वगैरह खेल रहे हैं और ये कल देखो वहाँ बैठने के लिए बना रखा है, जहाँ पर कहीं कोई भी घूमने करना था तो वहाँ नाश्ता वहीं वहाँ सारा कर लेते हैं, वहाँ बैठ के खाना पीना करते हैं अपना। आप अच्छी तरीके से स्वस्थ ध्यान रखा गया और झूला लगा रखा है।
भाई साहब हम मंदिर के पीछे की तरफ पहाड़ी में कोई मतलब नदी की तरह झरने वगैरह बने रहते हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पानी भरा हुआ नहीं भरा हुआ है। काफ़ी खतरनाक जगह है, कई लोग जानवर भी काफ़ी कुछ रहते हैं, जो ये रास्ता जाएगा काफी जो ये गाइस देखो काफ़ी डरावनी जगह लग रही है। गाइस देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, लोग बकरियाँ चरा रहे हैं, लड़ी बकरी पानी भरा हुआ, तालाब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, काफी पानी भरा हुआ है इसके अंदर। देखो हम तालाब के काफी पास में आ गए और देखो पानी की तरफ चल रहे हैं, काफी देखो घना मतलब काफी बड़ा तालाब है, पानी भरा हुआ है इसमें पूरा, मन तो कर रहा है इसमें एक दो डुबकी लगा लूं। देखो भाई गाइस कितना पानी भरा हुआ, देखो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, पानी पानी भरा हुआ। सो गाइस देख रहे हैं वो तालाब इतना फैला हुआ है, यहाँ इधर से होता है, देखो यहाँ आके एक रफट बन रखी है, मतलब आगे एक दीवार बना रखी है और यहीं आके उसका एंड हो रहा है, इधर फुल पानी भरा हुआ है। तो शायद गाइस झरने तो यहाँ पे दिख नहीं रहे, लेकिन बरसात का पानी कट हुआ रहता है, लेकिन पहाड़ी होने की वजह से यहाँ पे क्या पानी खत्म नहीं होता, तो 12 महीने पानी भरा रहता है, काफी साफ सुथरा पानी है। मेरा तो नहाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आज कपड़े वपड़े लेके नहीं है इसलिए नहा नहीं सकते। भाई आप कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब ये नीलकंठ महादेव वाली वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।